जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, ऐसी तीन तस्वीरें जिनको लगाने मात्र से आपकी किस्मत पलट जाएगी, आपके हर काम बनने लग जाएंगे, आपकी बिगड़ी सवरने लग जाएगी और आपके सारे के सारे ग्रह आपसे खुश रहेंगे। है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा, तो ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो और बहुत प्यार से बैठकर एक कॉपी पेन उठाकर मेरी बात को तसल्ली से लिखने लगो ताकि आपको याद रहे। तो चले मेरी जान, बताएं आपको, लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। आज की वो पहली तस्वीर जिससे आपके जीवन की तस्वीर बदल जाए। हम अपने घर के अंदर देवी देवताओं के चित्र क्यों लगाते हैं? क्योंकि इनके चित्रों को देखकर कहीं ना कहीं हमें ताकत मिलती रहती है, हमें एक भरोसा रहता है कि हमारे साथ साथ ईश्वर पास में वास कर रहे हैं। ईश्वर का साथ होना, पास होना हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा को जागृत कर देता है, हमारे मन को शांति देता है, हमारे तन को पॉजिटिविटी देता है और हमारे कर्मों को पवित्रता देता है। कहीं ना कहीं जब ईश्वर हमें दिखते हैं ना आसपास, तो हम कुछ भी गलत करने से डरते हैं। हमारा मन, हमारी आत्मा हमें गलत कार्य को करने से रोकती है। एक डर होता है हमारे अंदर कि देखो ईश्वर देख रहे हैं, कहीं उन्होंने देखा तो वो हमारे इस कर्म का कहीं हमें दंड ना दे दें, इसलिए ये काम नहीं करेंगे। पर कुछ लोग तो इस बात का भी लिहाज नहीं करते, ईश्वर की झूठी कस्में खा लेते हैं, ईश्वर सामने होते हुए भी बहुत गलत काम कर जाते हैं। खैर उन्हें छोड़िए, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पहली वो तस्वीर जिससे आपकी कुंडली में बैठे हुए राहु और केतु शांत हो जाएंगे, और ये तस्वीर है श्री कृष्ण की, वो तस्वीर जिसके ऊपर वो कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे थे। यमुना नदी में गरुड़ से बचने के लिए कालिया नाग ने पनाह ले ली थी और उस वक्त पूरी यमुना नदी के अंदर विष फैलने लगा था। जब ठाकुर जी को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने मित्रों के साथ वहीं पर क्रीड़ा करने का एक प्लान बनाया। वो नदी के किनारे क्रीड़ा कर रहे थे, क्रीड़ा मतलब गेम खेल रहे थे और उनकी बॉल जो है वो नदी के अंदर चली गई। सब ने बोला अब तो ये कौन जाएगा निकालने, तो ठाकुर जी को भेज दिया गया। ठाकुर जी अंदर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने कालिया नाग को बहुत अच्छे से परास्त किया और उसके ऊपर पैर रखकर नृत्य करते हुए यमुना नदी में ऊपर आ गए। लोगों ने जब उनका ये चित्र देखा तो सब बड़े प्रफुल्लित हो गए। पूरा का पूरा गांव इस बात से निश्चिंत हो गया कि अब हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई विष काम नहीं करेगा, अब हमारे जीवन के अंदर स्वच्छता रहेगी, अब हमारे घरों में स्वच्छ पानी आएगा, अब कालिया नाग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक उसी तरह आपके जीवन में भी जब राहु का कभी आपने फेस देखा है, राहु सर्प हैं, राहु जिसकी कुंडली में पूरे ग्रहों को अपने मुंह में ले लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, काल सर्प दोष। काल सर्प दोष का मतलब है सर्प के पूरे मुंह के अंदर हमारे सारे ग्रहों का समाहित हो जाना। जब जब भी राहु की पीड़ा आपके साथ आपको सताने लगे, अपने घर के साउथ ईस्ट पोर्शन में आपको ठाकुर जी की कालिया नाग के ऊपर नृत्य करती हुई एक तस्वीर लगा लेनी चाहिए और इनका आपको नित नियम से दर्शन करना चाहिए, तो आपका राहु आपकी कुंडली में स्वतः ही शांत होने लगेगा। आपके साथ नहीं, आपके घर में बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, किसी के भी साथ राहु का तांडव चल रहा हो ना, तो छोटा सा सरल सा उपाय करके तो देखो आपके जीवन में इससे बदलाव ज़रूर आएगा। आप तो अपने फ़ोन में भी लगा के रख सकते हैं,
मैं वैसे फ़ोन की स्क्रीन पर किसी भी देवी देवता की फ़ोटो लगाने से मना करती हूँ, इसीलिए आप अपने फ़ोन में ऐसी जगह वो फ़ोटो लगाइए जो आप बार बार खोलते हैं, जैसे कि आपका व्हाट्सअप, जैसे कि आप कोई भी ऐसा ऐप लगा रहे हैं जिसके ऊपर आपने कोड लगा रखा है, तो उसके उस स्क्रीन पर आप ये फ़ोटो लगा लीजिए, ताकि आप जब भी कोड को खोलने की कोशिश करें आपको वो दिख जाए। स्क्रीन पर इसलिए मना करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे गंदे हाथ लगते हैं, हम टॉयलेट बाथरूम में भी ले जाते हैं, ठाकुर जी का अनादर होता है, नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप अपने फ़ोन में ऐसी जगह रखिए जहाँ आपको उनके दर्शन बार बार होते रहें, नहीं तो आप अपनी प्रोफाइल पिक ही बना के रख लीजिए तो आप बार बार उनके दर्शन ज़रूर करते रहेंगे। चलिए जी, दूसरी वो तस्वीर जिसको लगाने से आपके घर में धन, वैभव, माँ लक्ष्मी और हमेशा स्थिर रूप से सुख और शांति आती है। ये तस्वीर है नृत्य करते हुए गणपति जी की। चार भुजाओं वाले गणपति नित्य मुद्रा में, हाथ में ढोलक लिए हुए आपके घर के अगर नॉर्थ पोर्शन में स्थापित हो जाते हैं तो ये बुद्धि प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, सिद्धियां देते हैं, वाणी सिद्धि देने का कार्य करते हैं। जो साधक हैं, जो लोग मेरी ही लाइन से हैं, मुझे बहुत फॉलो करते हैं, मेरे सारे वीडियोस कॉपी करते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आप ही लोगों के लिए स्पेशली बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरे ही ज्ञान से ज्ञान मिलता है, तो आज ठाकुर जी का आशीर्वाद भी दे देती हूँ। आप लोगों को अपने घर के नॉर्थ पोर्शन में गणपति जी की नृत्य करती हुई ये मुद्रा वाली फ़ोटो ज़रूर लगा कर रखनी चाहिए, इससे सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके अगर आप मस्तिष्क पे रोजाना केसर का, चंदन का मिला हुआ तिलक लगाते हैं तो आपको वाणी सिद्धि प्राप्त होती है। आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं वो आपकी सिद्ध हो जाती है। बस ध्यान रखिएगा, सात्विकता से कार्य करिएगा और मन में ईमानदारी रखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ उस तीसरी तस्वीर के बारे में जिसे अपने पास रखने मात्र से आपके जीवन के बिगड़े काम बनने लगते हैं, और ये है ठाकुर जी के एक उस रूप का दिव्य चित्र जिसे हम नरसिंह भगवान के नाम से जानते हैं। साउथ पोर्शन में अगर आप नरसिंह भगवान की ये तस्वीर लगा देते हैं आपके घर के अंदर, कितना भी बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो, दूर हो जाता है। आपकी कुंडली में शनि कितने भी आपके लिए नकारात्मक क्यों ना हो, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आता। मंगल के नकारात्मक प्रभाव आपको कभी भी छू नहीं पाते, लेकिन आपको इन्हें नित्य दर्शन कर इनको आपको अपने हाथ से सिंदूर से तिलक ज़रूर लगाना है। नित्य रूप से सुबह उठकर नहा धोकर इन्हें सिंदूर का तिलक ज़रूर लगाइए, लाल वाला सिंदूर जो औरतें मांग में भरती हैं वो वाला सिंदूर लगाइए, और फिर देखिए आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह कैसे शांत होते हैं। इसका एक और फ़ायदा होता है, आपके शुक्र भी इससे बहुत प्रभावित रहते हैं और आपको हमेशा शुक्र की पॉजिटिविटी मिलती है। ये तो हुए वो ऐसे चित्र जिनको लगाने मात्र से आपके जीवन में बदलाव आएंगे ही आएंगे। अब मैं बता देती हूँ आपको कुछ ऐसे चित्र जो आप अपने मोबाइल में लगा लें तो आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएं। अगर आपको धन की हानि हो रही है बार बार, आपको बार बार अपने जीवन में कर्जे से गुजरना पड़ रहा है, तो आपको माँ लक्ष्मी के उस घड़े का चित्र लगा देना चाहिए जिसमें से धन इस तरीके से नीचे की तरफ बरसात करता हुआ निकलता है। केवल उस घड़े का चित्र लगाइए और फिर देखिए कि आपके जीवन के अंदर कैसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आने लगता है। अपने मोबाइल में अगर आप बहते हुए झरने का चित्र लगाते हैं तो ये आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी मन की फीलिंग्स को पॉजिटिव करता है, आपके मन में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आते। अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर उगते हुए सूरज का फोटो लगा देते हैं तो ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपको रोज कुछ नया करने की अंदर से आवाज़ आने लगती है, आपके अंदर का लेखक जागृत हो जाता है, आपकी सोच का विस्तार हो जाता है, नए आइडियाज़ आपके मन के अंदर आने लगते हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द के लोगों में चुगलियाँ पाते हैं, लोग उनकी बहुत बुराइयाँ करते रहते हैं,
चुगलियां करते रहते हैं। ऐसे लोगों को अपने मोबाइल स्क्रीन पर हमेशा एक शेर का चित्र लगा के रखना चाहिए। है तो बहुत अजीब सा, लेकिन करके तो देखो, आपको इससे फायदा होगा। लोग कभी आपको छू नहीं पाएंगे, आपकी बुराई करने वाले अपने आप शांत हो जाएंगे। है छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर हम जीवन में इन्हें ध्यान रखें तो हमें इनसे बहुत लाभ मिलता है। प्रेम चाहिए तो गुलाब के फूल लगाइए। मन में शांति चाहिए आपको, और ज़्यादा आत्मज्ञान चाहिए तो एक कमल का फूल लगा लीजिए। अगर आपको अपने जीवन के अंदर बहुत पीस चाहिए, माइंड को आपको रिलैक्स चाहिए, तो बुद्धा का एक आप वॉलपेपर लगा लीजिए। अगर आपको अपने जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सक्सेस पानी है, तो 7 काले रंग के घोड़े दौड़ते हुए अपनी स्क्रीन पर लगा लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे आकर्षित रहें, तो आपको ग्रीन तारा माँ का एक चित्र अपने मोबाइल पर ज़रूर लगा लेना चाहिए। चलिए जी, मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर, जो हमेशा आती रहती हूँ मेरी जान। ख्याल रखिएगा अपना, मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।